यह हर कोई जानता है कि भारत विविधताओं का देश है। विविधता है तो समस्या है और रहेंगी, मगर आप चारों तरफ देखें, कोई देश जहां इतनी विविधताएं हैं, जहां इतनी विविध सांस्कृतिक विरासत हो? जी हां, आपको अपना देश मिलेगा जहां लड़ने, भिड़ने और फिर से जुड़े रहने की अकूत क्षमता है। जब आपके खराब फोन को ठीक करने के लिए अजय मिस्त्री 500 रुपये मांगता है तो आप आदिम के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको पता है आदिम से 200 में ही सौदा पट रहा है। इसलिए देश ठीक है, सब ठीक है, बस आप ठीक रहें। 8वीं कक्षा के एक सवाल में पूछा जाता है कि भारत अनेकताओं में एकता का देश है, लेकिन कैसे? इसका जवाब आज हम आपको अपने अंदाज में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। बिहारी विहार के आज के इस सेगमेंट में हम आपको लेकर चलेंगे समस्तीपुर जिला स्थित खुदनेश्वर धाम। आप कंफ्यूज ना हो, आप वीडियो देखिए, इन सब की कड़ी आपको जुड़ती हुई नजर आएगी। 8वीं कक्षा के उस सवाल की भी और इस पर्यटन स्थल के भी। हमेशा से कहा गया है कि हम सब एक हैं। नहीं, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि हम एक नहीं हैं। हम एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं, जुदा हैं, अलहदा हैं। जब हम अलग हैं तो हमारी सोच अलग है, हमारी विचारधारा अलग होगी, जिसका प्रभाव इस वातावरण पर निश्चित रूप से पड़ेगा। हम विचारधारा और धर्म की खिचड़ी से प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन मुद्दों पर हम उग्र हो जाते हैं। बुढ़ापे में हमें दीन यानी कि धर्म की समझ विकसित होनी चाहिए थी और जवानी में दुनिया की। इसके उलट हमें दुनियादारी बुढ़ापे में समझ आती है, तब तक धर्म और मजहब के झमेले में बुरी तरह पिस चुके होते हैं। सुने जाने के संसाधनों ने झूठ बुने जाने को और पढ़े जाने के संसाधनों ने झूठ गढ़े जाने को बढ़ावा दिया है। सबसे बड़ी बात, हम आधा सुनते हैं, उससे भी कम समझते हैं और बोलते इन सबसे ज़्यादा हैं। तो परिणाम क्या निकल सकता है, ये बताने वाली बात नहीं है। समस्या कहाँ नहीं होती, हमारे देश, हमारे राज्य में भी है, लेकिन स्थिति इतनी भयावह नहीं होती जितनी दिखाई सुनाई और बताई जाती है। इन सब के बीच हमने सोचा कि क्यों नहीं हम आपको बिहार स्थित उस मंदिर के बारे में बताएं जो विविधताओं में एकता की ऊंची मिसाल पेश करता है। यह देश भर में ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है जो आपके बिहार में स्थित है। बात सिर्फ इतनी सी है कि राजधानी पटना से 150 किलोमीटर दूर समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड में स्थित खुदनेश्वर धाम मंदिर, इस मंदिर की भव्यता देवघर से कम नहीं है, लेकिन उतनी लोकप्रियता नहीं है। बिहार में ही ऐसे लोगों की संख्या बहुत सारी है जो इस मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं कि यह देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ महादेव के शिवलिंग के पास मज़ार यानी कि एक मुस्लिम का कब्र है जिसकी हिंदू लोग पूजा करते हैं, और यह आज से नहीं बल्कि 14वीं सदी से ही होता आ रहा है। खुदनेश्वर स्थान मोरवा एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो बिहार के समस्तीपुर जिला से 17 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। यह मंदिर खुदनेश्वर धाम मंदिर के रूप में भी प्रसिद्ध है। मंदिर का नाम खुदनो नामक एक मुस्लिम महिला के नाम पर है जो भगवान शिव की भक्त बन गई थी। उसी मंदिर की छत के नीचे शिवलिंग के पास खुदनो के नश्वर अवशेषों को 1 गज दक्षिण में दफनाया गया था। आख्यानों के अनुसार 14वीं शताब्दी में मंदिर स्थल घने जंगल से ढका हुआ था और मुख्य रूप से मवेशियों को चराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खुदनो अक्सर अपनी गाय चराने के लिए वहां जाती थी। एक दिन चढ़ने के बाद घर लौटते समय उसने अपनी गाय से दूध निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे दूध नहीं मिला। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। चढ़ने के दौरान एक दिन गाय ने उसे छोड़ दिया। उसने गाय को पाया और उसकी गाय को दूध बहाते हुए देखकर हैरान रह गई। फिर वो ये बात बताने के लिए गांव की तरफ भागी। स्थानीय लोगों ने ज़मीन को साफ किया और खुदाई शुरू कर दी, जहां से वो शिवलिंग प्राप्त हुआ और खुदनों की मृत्यु के बाद उसके अवशेष शिवलिंग के पास दफन कर दिए गए थे। यहां एक मंदिर बनवाया जिसका नाम उन्होंने खुदनेश्वर स्थान रखा, जो मुस्लिम महिला खुदनी विवी के नाम से विरासत में मिला। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान नाथन एस्टेट ने 1858 में इस मंदिर का निर्माण किया और एक पुजारी को एक कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया। 2008 में बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष किशोर कुणाल ने बोर्ड से वित्तीय सहायता प्रदान की और इसे पर्यटकों के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन करने के लिए विकसित करने की घोषणा की। यहाँ महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग धन से, शरीर से इस मंदिर की सेवा में योगदान देते हैं। मुस्लिम समुदाय में औरतों को पूजने की प्रथा नहीं है, वहीं हिंदू धर्म में औरतों को पूजा जाता है, इसलिए उस मंदिर में स्थित मज़ार की भी पूजा की जाती है। लेकिन यह मंदिर विविधताओं में भी एकता की मिसाल पेश करता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम का पर्याय झगड़ा, क्लेश, द्वेष, नफरत और अशांति नहीं हो सकता,
और हमें 8वीं क्लास के उस सवाल का जवाब भी मिल गया जिसमें पूछा गया था कि भारत अनेकताओं में एकता का देश है कैसे। आप हमें बताएं कि आप इस मंदिर के बारे में जानने के बाद क्या सोचते हैं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।